Greetings from the English Literature YouTube channel. It is a one-stop destination to soothe all your literary curiosities. आज के इस वीडियो में हम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चल रहे वीडियो सीरीज का आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन है डिस्कस आर के नारायण एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर आर के नारायण का एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के तौर पर ग्रेटनेस को हम इस बात से समझ सकते हैं कि वो रविंद्रनाथ टैगोर के बाद दूसरे ऐसे इंडियन इंग्लिश राइटर हुए जिनका वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है इस बात का जिक्र नारायण ने खुद अपने ऑटोबायोग्राफिकल एसेस के कलेक्शन माई डेटलेस डायरी में किया है वो लिखते हैं कि अमेरिका में लोग उनका गिनती हेमिंगवे और फॉकनर के साथ करते हैं और उन्हें दुनिया के तीन ग्रेटेस्ट मॉडर्न राइटर्स में से एक मानते हैं Singh, के नटवर सिंह आर के नारायण के सिंप्लिसिटी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो इतनी कामयाबी और प्रसिद्धि हासिल करने के बावजूद भी एक प्यारे मनमौजी और निश्चिंत इंसान हैं आर के नारायण ने खुद को इंडिया का बेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर के तौर पर इस्टेब्लिश तो किया है साथ ही उन्होंने कई नॉवेल्स भी लिखे हैं और सांता रामा राव जो कि एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन राइटर हैं वो आर के नारायण के बारे में यहाँ तक कहते हैं कि वो इंडिया के बेस्ट नावलिस्ट हैं और अपने समय के बाकी राइटर्स के मुकाबले मोस्ट इंटरटेनिंग भी हैं लेकिन यदि आर के नारायण के प्रेफरेंस को देखा जाए तो वो नॉवेल्स के बजाय शॉर्ट स्टोरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो अपने शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में कहते हैं कि शॉर्ट स्टोरीज किसी खास इंसान और सिचुएशन पर फोकस करता है जबकि नॉवेल्स ऐसा नहीं कर पाता है जिस वजह से नॉवेल में हर कुछ फैला हुआ लगता है इसलिए शॉर्ट स्टोरी ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है आर के नारायण ने यह भी कहा है कि उनके नॉवेल्स के कुछ पार्ट्स शॉर्ट स्टोरी की तरह लगते हैं इससे हमें यह पता चलता है कि आर के नारायण का रुझान शॉर्ट स्टोरी के तरफ था और इसका प्रभाव उनके नॉवेल्स पर भी देखने को मिलता है आर के नारायण शॉर्ट स्टोरी लिखने के प्रति अपने लगाव और नॉवेल्स लिखने के प्रति प्रोकेस्टिनेशन के फीलिंग का जिक्र मालगुडी डेज के प्रिफेस में भी करते हैं वो लिखते हैं द शॉर्ट स्टोरी अफोर्ड्स अ राइटर अ वेलकम डाइवर्जन फ्रॉम हार्ड वर्क एट द एंड ऑफ एवरी नॉवेल आई हैव नेवर टू राइट अनदर वन अ प्रोपिसस मोमेंट टू अटेम्प्ट शॉर्ट स्टोरी और टू आई इंजॉय राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी अनलाइक द नावल विच इमर्जेस फ्रॉम मिनटली वर्कड आउट डिटेल द शॉर्ट स्टोरी कैन बी ब्रॉट इंटू एक्जिस्टेंस थ्रू अ मिया सजेशन ऑफ डिटेल द फोकस बींग केप्ड ऑन अ सेंट्रल आइडिया और क्लाइमैक्स इसके अलावा आर के नारायण अपने दोस्त एस कृष्णन से भी शॉर्ट स्टोरी लिखने की उत्सुकता का जिक्र करते हैं वो उनसे कहते हैं कि वाट एवर द ज्वाय ऑफ क्रिएसन माइड बी इट इज़ रियली अव सेंस राइटिंग अ नॉवेल इट टाइज यू डाउन सो कम्प्लीटली फॉर अ ईयर और टू

200 से अधिक शॉर्ट स्टोरीज लिखा है मालगुडी डेज आर के नारायण का पहला शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है जो कि 1943 में पब्लिश हुआ था इस कलेक्शन में टोटल 19 शॉर्ट स्टोरीज हैं जिसमें एन एस्ट्रोलॉजर्स डे और इंजन ट्रबल भी शामिल है ये दोनों शॉर्ट स्टोरी एम सेवन के सिलेबस में प्रिस्क्राइब भी है दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज जो कि 1947 में पब्लिस हुआ था यहाँ पर आपके मन में एक कंफ्यूजन आ सकता है कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे तो मालगुडी डेज का पहला स्टोरी है तो फिर दोबारा 1947 में इसे क्यों पब्लिस किया गया तो मैं अभी इसे क्लियर कर देता हूँ दरअसल जो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे 1943 में पब्लिश हुआ था जो कि मालगुडी डेज का पहला स्टोरी है उसमें एस्ट्रोलॉजर का इंट्रैक्शन केवल गुरु नायक के साथ दिखाया गया है जबकि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन में एस्ट्रोलॉजर का इंटरेक्शन कई और लोगों के साथ भी दिखाया गया है जैसे गुरु नायक यंग कपल और द मिसिंग सन एट्सट्रा आइए अब जल्दी से बाकी शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन को भी देख लेते हैं लॉली रोड एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज जो कि 1956 में पब्लिश हुआ था नेक्स्ट है अ हॉर्स एंड टू गोट्स ये 1970 में पब्लिश हुआ था नेक्स्ट है द ग्रैंड मदर टेल्स एंड सेलेक्टेड स्टोरीज इसके बाद आता है अंडर द Banyan ट्री एंड अदर स्टोरीज ये 1997 में पब्लिश हुआ था इन सब के अलावा और भी कई शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन हैं जैसे गॉड एंड अदर्स 1964 और मालगुडी डेज 1982 और यहाँ पर भी एक और कंफ्यूजन आ सकता है कि मालगुडी डेज तो आर के नारायण का पहला शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था तो फिर 1982 में क्यों दोबारा पब्लिश किया गया तो इसके पीछे भी सेम रीजन अप्लाई होता है दरअसल 1943 और 1982 वाले एडिशन में यही अंतर है कि जो 1943 वाला शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था उसमें शॉर्ट स्टोरीज का संख्या कम था और जो 1982 वाला शॉर्ट स्टोरीज का एडिशन है उसमें आर के नारायण ने और भी कई सारा शॉर्ट स्टोरीज ऐड किया है और सीक्वेंस को भी उन्होंने फिर से रीअरेंज किया है तो यदि आप दोनों शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 1943 का जो सीक्वेंस था कहानी का और 1982 का जो कहानी का सीक्वेंस है उसमें काफी ज़्यादा डिफरेंसेस है इसके अलावा एक और अंतर यह है कि 1982 वाले एडिशन में आर के नारायण ने एक नया इंट्रोडक्शन भी ऐड किया है और इस इंट्रोडक्शन में वो बताते हैं कि उनका क्या इन था मालगुडी जो कि एक इमेजिनेटिव टाउन है उसके क्रिएट करने के पीछे दरअसल वो अपने इनसाइट्स को बताते हैं कि वो क्यों एक क्रिएटिव मालगुडी टाउन्स को इमेजिन किए और अपने स्टोरी में शामिल किए और फिर वो उसके पीछे का इंस्पिरेशन भी बताते हैं कि उनको इस टाउन क्रिएट करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला और फिर वो अपने कुछ रिफ्लेक्शंस के बारे में बोलते हैं अपने राइटिंग जर्नी को लेकर के तो यही कुछ मेन डिफरेंस हैं जो कि 1943 और 1982 वाले एडिशन में देखने को मिलता है सो डैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो सीरीज ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ़ एन एस्ट्रोलॉजर्स डे आई होप यू हैव लर्न इनफ सो स्टे ट्यून्ड विद द इंग्लिश लिटरेचर टू कीप योर लिटरेरी क्यूरियोसिटीज थैंक्स फॉर वॉचिंग